सरकार चाहे जितना कानून बना ले, लेकिन इंसानियत के दुश्मन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला जिला पीलीभीत के थाना न्यूरिया क्षेत्र का है, जहां तीन तलाक का एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कस्बा न्यूरिया की रहने वाली एक युवती को थाना कोतवाली पीलीभीत क्षेत्र के मोहल्ला हाथीखाना निवासी मोहसिन खान नाम के एक युवक ने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद दबाव पड़ने पर उससे शादी कर ली और सिर्फ डेढ़ महीने बाद ही दहेज की मांग शुरू कर दी और दहेज की मांग पूरी न होने पर पीड़िता को तीन तलाक दे दिया। वहीं पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। लोग थाने आए हैं। सर, मैं इस समस्या को लेकर आई हूँ। ये मोहसिन खान नाम का लड़का पीलीभीत का रहने वाला है, मोहल्ला हाथीखाने का। उसने आपको जजी प्रेशर अपने आप को बता के कि मैं स्टैनो हूँ वहाँ पे पीलीभीत कचहरी में, धोखे से मुझे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। उसके बाद ज़बरदस्ती मेरे साथ में उसने शारीरिक संबंध बनाए। जब मैंने इस बात का विरोध किया तो उसने मेरे साथ निकाह कर लिया और मैं मतलब गर्भवती हो गई थी, तो उसने मेरे साथ में निकाह किया। उसके बाद में निकाह करने के बाद में वो मुझे ले गया अपने साथ में आवास विकास कॉलोनी में, उसने मुझे रखा। उसके बाद में मुझे मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो दर्द बुखार की दवा के बहाने से उसने गर्भपात की दवा खिला दी मुझे, जिसकी वजह से गर्भपात हो गया। उसके बाद में वो मुझे मेरे घर पे छोड़ के आया और इनके सारे परिवार वाले पहुँचे, माता पिता और भी अन्य लोग, सब लोग हमसे दहेज की मांग की कि अब हमें 5 लाख रुपया कैश चाहिए, फुल दहेज चाहिए और बाइक चाहिए, फिर हम लड़की की विदा करा के ले जाएंगे। मेरे पापा लगवा गिरस्त हैं, इसलिए हम लोगों ने उनसे कहा कि अभी हम इतना इंतज़ाम नहीं कर पाएंगे, तो उसने इसी बात पे खिसिया करके मुझे तीन तलाक दे दिया। उसके बाद में उसने मेरी अश्लील फ़ोटो बनवा करके और किसी के साथ मिल करके मेरी फ़ोटो सब में वायरल कर दी मोहसिन खान ने, और फिर मुझे उसने धमकी भिजवाई जान से मारने की कि अगर कहीं भी कचहरी कोर्ट या पुलिस में गई तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, ठीक है। और उसके ऊपर पहले से भी केस चल रहे हैं फ्रॉडपन के, और भी काफ़ी केस चल रहे हैं यहाँ से अदालत से पीलीभीत से, और उसने बहुत ही बुरी तरह से मेरी फ़ोटो सब में वायरल कर दी है। तो आप क्या चाहती हैं? और आज वो अपनी दूसरी शादी कर रहा है। क्या चाहती हैं? मैं बस ये चाहती हूँ कि कानून मुझे इंसाफ दिलाए और मेरे साथ न्याय हो। जी, ये एक शिकायत प्राप्त हुई थी, मुकदमा ने शिकायत की थी, उनकी शिकायत पर ये अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसमें 498 अन्य धाराएं लगी हैं। हम लोग उसकी छानबीन और उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उस इन्वेस्टिगेशन के बाद एविडेंस के आधार पर कार्रवाई की है। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170।